आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हूं शांक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार में सभी राजनीतिक दलों द्वारा इस समय पार्टी सदस्यता अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है। सदस्यता अभियान में सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ने में लगी हुई है। वहीं अब सदस्यता अभियान को लेकर नेताओं में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जदयू प्रवक्ता ने आरजेडी के सदस्यता अभियान को लेकर जोरदार तंज कसा। सदस्यता अभियान के तहत जहां जेडीयू 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, वहीं आरजेडी ने अपना लक्ष्य बढ़ाकर 1 करोड़ सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा। आरजेडी ने सदस्यता अभियान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। आरजेडी के 1 करोड़ सदस्य बनाने के अभियान पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी को अपनी हैसियत देखकर काम करना चाहिए। आरजेडी की इतनी हैसियत नहीं कि वो 1 करोड़ सदस्य को जोड़ सके। सदस्यता अभियान को लेकर नीतीश कुमार में बीजेपी कोटे से मंत्री प्रेम कुमार ने सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि राज्य में सबसे पहले इसकी शुरुआत बीजेपी ने की थी। वहीं इस बात पर जदयू ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कोई पार्टी अगर ये बात कहे कि उसकी नकल तकनीक के मामले में की जा रही है तो यह सही बात नहीं है। बता दें कि जदयू की सदस्यता अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार सदस्यता अभियान पर पूरी नजर रख रहे हैं। वहीं आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी की कमान संभालने वाले तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद लगातार राज्य से गायब है। वहीं बीजेपी भी सदस्यता अभियान को लेकर काफी एक्टिव दिख रही है। छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी।